आपने कभी ये सोचा है कि हमारी इस प्राण शक्ति का रहस्य क्या है? इस शरीर में ये हरकत कहाँ से पैदा होती है? कुछ लोगों ने कहा कि ये सब ह्यूमन ब्रेन से होता है, कुछ लोग मानते हैं कि आत्मा है, रूह, स्पिरिट, लेकिन कुछ लोगों ने कहा ये बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत ऊर्जा, वही बिजली जो आसमान में कड़कती है, वही बिजली जो हमारे तारों के जाल और स्मार्टफोन्स में बह रही है, उसी बिजली से हम भी चल रहे हैं। हो सकता है आपको सुनने में ये बात अजीब और बेतुकी सी लगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें सब्सटेंस नहीं है, कि सुबह उठ के मुंह धो के कुल्ला करते टाइम किसी ने कुछ भी बोल दिया, ऐसा नहीं है। आप एक चीज के बारे में सोचिए, फिर चाहे जो कहें। आप लोगों ने छिपकली की पूंछ देखी होगी, कई बार छिपकली अपनी पूंछ शरीर से अलग कर देती है, छिपकली का बाकी शरीर वहां से दूर चला जाता है, लेकिन आधे घंटे तक उसकी पूंछ हिलती रहती है। अगर हर जीव के भीतर एक ही आत्मा है तो छिपकली की आत्मा उसके शरीर में है या पूंछ? अगर प्राण शक्ति छिपकली के दिमाग में है तो फिर आधे घंटे तक उसकी पूंछ कैसे हिल रही है? इस सवाल का जवाब इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगा, क्योंकि आज हम जैविक शरीर के एक बहुत बड़े रहस्य की कहानी सुनाने जा रहे हैं। सभ्यता की शुरुआत से ही मनुष्यों ने यह चाहा है कि उन्हें अपने प्रियजनों को विदा न करना पड़े। काश ऐसा कोई तरीका होता जिससे मुर्दा व्यक्ति को जिंदा किया जा सके। इसलिए दैविक पुरुषों में पावर ऑफ रिसरेक्शन की कल्पना की गई, मृत शरीर में दोबारा प्राण लौटाने की शक्ति। ये तो माइथोलॉजी है, पौराणिक कथाएं। हर संप्रदाय और सभ्यता के मनुष्यों ने ऐसी कल्पना का सहारा लिया, लेकिन आज से 200 साल पहले कुछ वैज्ञानिक इस विचार को लेकर सीरियस हो गए। ऐसा लगने लगा कि उन्होंने जैविक शरीर की ऊर्जा का मूल रहस्य खोज लिया है और इस नई उभरती ऊर्जा को नियंत्रित करके मुर्दा लोगों को दोबारा जिंदा किया जा सकता है। इस नए आविष्कार के दम पर लंदन जैसी जगहों पर मुर्दा लोगों को जिंदा दिखाने के लिए पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन किए गए और जिसने भी ये प्रदर्शन देखे वो चौंक के रह गया। मनुष्यों के दर्ज इतिहास में पहली बार कोई मुर्दा शरीर दोबारा प्रचलित प्रतीत हो रहा था। भय और विस्मय का क्षण था। 200 साल पहले मुर्दों को जिंदा करने के लिए कई एक्सपेरिमेंट्स किए गए, लेकिन फिर इन प्रयोगों पर रोक लग गई। आखिर ये कौन से प्रयोग थे और फिर इन्हें रोक क्यों दिया गया, ये कंटिन्यू क्यों नहीं हुए? इन सारे सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे, क्योंकि इन सब की कहानी मनुष्यों के सबसे बेहतरीन आविष्कारों में से एक इलेक्ट्रिक बैटरी के आविष्कार से जुड़ी है। नमस्ते, मैं आयुष यादव हूं और हम जादुई डिब्बियों यानी इलेक्ट्रिक बैटरीज की कहानी विस्तार से समझ रहे हैं। ये हमारी बेहद खास सीरीज है जिसका नाम है बैटरी बाजी। और बैटरी बाजी के दूसरे एपिसोड में हम बैटरी के आविष्कार, मनुष्यों की प्राण शक्ति और मुर्दों को जिंदा करने वाले वैज्ञानिक प्रयोगों की दिलचस्प कहानी जानेंगे। साल 1790, इटली में एनाटॉमी के एक प्रोफेसर हुए, नाम लुइजी गैल्वानी। प्रोफेसर गैल्वानी एनाटॉमी यानी शरीर रचना समझाने के लिए कई जीव जंतुओं की चीरफाड़ करते थे। वो अक्सर मेंढक इत्यादि के कटे फटे शरीर से दो चार होते थे, लेकिन प्रोफेसर होने के साथ गैल्वानी एकेडमी ऑफ साइंस के सदस्य भी थे और इस एकेडमी का सदस्य होने के नाते उन्हें अनिवार्य रूप से हर साल एक साइंटिफिक पेपर पब्लिश करना पड़ता था। उन्होंने इस बार 1790 में जो पेपर तैयार किया था उसे चोरी कर लिया गया, इसलिए लुइजी गैल्वानी ने उस साल अपने पेपर के लिए दूसरे विषय की तलाश शुरू की और इलेक्ट्रिसिटी की फील्ड जो उन दिनों नई नई थी, इसके जादुई उपकरणों और नए नवेले प्रयोगों ने गैल्वानी का ध्यान आकर्षित किया। गैल्वानी की लैब में एक एक करके कई विद्युत उपकरण इकट्ठे होने लगे। ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स स्टैटिक चार्ज स्टोर कर सकते थे। उस समय करंट इलेक्ट्रिसिटी की ज्यादा जानकारी नहीं थी और स्टैटिक चार्ज बड़ी कॉमन सी चीज थी। अरे, किसी कपड़े से घिसने के बाद जैसे आप कोई मेटल को छूते, जैसे हम ये जैकेट से घिस जाते हैं कई बार दिन में, फिर हम कढ़ाई छूते हैं तो हमको झटका लगता है, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। आपने बचपन में स्केल से वो कागज घिस के उसको अट्रैक्ट किया होगा, वो सब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कारण होता है। स्टैटिक चार्ज के कारण घर्षण से वो चार्ज पैदा किया जा सकता था। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी जब चार्ज स्टैटिक रहता है, थमा हुआ रहता है, करंट बन के बहता नहीं है, तो हमारे आसपास ये बड़ी कॉमन सी चीज़ होती रहती है। और 200 साल पहले उस समय स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को लेकर ठीक ठाक वैज्ञानिक समझ दुरुस्त हो गई थी, तो कुछ ऐसे उपकरण भी बना लिए गए थे जिनमें स्टैटिक चार्ज स्टोर किया जा सके। ऐसे ही कुछ स्टैटिक चार्ज वाले इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्रोफेसर गैल्वानी की लैब में जमा होने लगे। लेकिन गैल्वानी साहब तो एनाटॉमी के प्रोफेसर थे, इसलिए उस लैब में जीव जंतुओं का होना स्वाभाविक। अरे, बहुत बस भर रहा है यार। लैब में ऐसे मरे हुए कटे हुए मेंढक वगैरह पड़े रहते थे, लेकिन एक दिन कांड हो गया। लुइजी गैल्वानी का एक असिस्टेंट लैब में बिना सिर के मेंढक को स्टडी कर रहा था। उस असिस्टेंट के हाथ में एक स्केल्पल था, वो जो डॉक्टर लोग छुरी लिए नहीं काटा पीटी करते हैं उसको स्केल्पल बोलते हैं। स्केल्पल? चाकू नहीं है। तो किसी भी बॉडी को स्केल्पल से ही काट कर उसके अलग अलग पार्ट स्टडी किए जाते हैं, इसलिए डाइसेक्टेड मेंढक को स्टडी करने के लिए गैल्वानी का असिस्टेंट एक स्केल्पल अपने हाथ में लिए था। जैसे ही उसने अपनी इस छुरी को मेंढक से टच किया, अचानक मेंढक का पैर हवा में उछल पड़ा, जैसे वो मेंढक जिंदा हो और उसे छुए जाने पर दर्द हुआ हो। अरे यार, ये बड़ी हैरानी की बात थी।
क्योंकि मेंढक तो बिना सिर का था, वो तो कब का मर चुका था, टेबल पे आधा कटा हुआ रखा था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसके पैर को झटका लग गया। 200 साल पहले की समझ बहुत अलग थी। ये पहला ऐसा मौका था जब मेटल से छुए जाने पर डेड बॉडी में हलचल हुई हो। ये देखकर उन सब वैज्ञानिकों की हवा टाइट हो गई। लेकिन गैलवानी और उनके साथ ही मुन्ना भाई उस सर्किट की तरह एनाटॉमी विभाग में दाखिल नहीं हुए। उन्होंने इस घटना की वैज्ञानिक पड़ताल शुरू कर दी। उन्हें धीरे धीरे समझ आया कि वो स्केल्पल संभवतः किसी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट से चार्ज हो गया था और उस चार्ज के ट्रांसफर होते ही मेंढक उछल पड़ा, जैसे उसमें पल भर को जान लौट आई। कारण तो ठीक से पता लगा लिया, लेकिन प्रोफेसर गैलवानी और बाकी वैज्ञानिकों के लिए बड़ी हैरानी की बात। इस घटना के बाद गैलवानी ने स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज के कई सेटअप तैयार किए। वो इलेक्ट्रिसिटी से मुर्दा जानवरों पर प्रयोग करने लग गए। कुछ एक्सपेरिमेंट्स के लिए गैलवानी इन डेड बॉडीज को लैब से बाहर लेकर जाते थे। उन्होंने एक उपकरण के जरिए आसमान में कड़कने वाली बिजली को इकट्ठा कर लिया, लाइटनिंग अरेस्टर जैसा होगा, और उन मुर्दा जानवरों को इस आसमानी बिजली से झटके दिए। आज हमारे लिए स्वाभाविक सी बात है कि भैया किसी बिजली के झटके से ये डेड बॉडी वगैरह तो हिलेगी डुलेगी ना, क्योंकि हमें पता है, हमने फिल्मों में देखा है, हमें पता है आईसीयू में है ना, झटके देके जिंदा करते, ये तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन 200 साल पहले बिजली से इन मुर्दा शरीरों में मूवमेंट उन वैज्ञानिकों के लिए नई खोज थी। लुईजी गैलवानी के हर प्रयोग के बाद ये बात पुख्ता होती चली गई कि जैविक शरीर का विद्युत ऊर्जा से कुछ गहरा रिश्ता है। अभी तो मृत्यु के बाद भी वो बॉडी इलेक्ट्रिसिटी के प्रभाव में हिलने डुलने लगती है, कुछ है गया, कुछ तो यहाँ तक तो ठीक था, इतनी बात पहचाना फिर भी आसान था। लेकिन एक दिन प्रोफेसर गैलवानी के ग्रुप ने एक अजीब घटना देखी। आसमान साफ था, बिजली कड़कने का कोई निशान नहीं था, इसके बावजूद अचानक लैब के बाहर रेलिंग पर लटके हुए मेंढक हिलने लगा बिना किसी प्रकट चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी की मौजूदगी में। उस डेड बॉडी में मूवमेंट हुई, सब चौंक के रह गए। लेकिन प्रोफेसर गैलवानी डरने घबराने वालों में से नहीं थे। वो हर घटना के पीछे छुपा साइंटिफिक रीजन जानने की चेष्टा करते। उन्होंने इस घटना को समझाने के लिए एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी की थ्योरी प्रपोज की। ये दावा किया गया कि पृथ्वी के वायुमंडल में थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी हमेशा मौजूद रहती होगी और कभी कभी साफ मौसम होने के बावजूद ये एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी इकट्ठी हो जाती होगी और इसी इलेक्ट्रिसिटी से उस मुर्दा मेंढक को झटका लग गया होगा। अब मन बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा था, लेकिन ये उस घटना का बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन नहीं था। लुईजी गैलवानी एक कुशल वैज्ञानिक थे, वो भी अपनी इस थ्योरी से संतुष्ट नहीं हुए और वो इस घटना की दोबारा पड़ताल करने लगे। गैलवानी को ये बात चमकी कि शायद अलग अलग मेटल्स के कारण ये हरकत पैदा हो रही है। दरअसल उन्होंने मेंढक को जिस हुक से लटकाया था वो अलग धातु का था और उस हुक को जिस रेलिंग से लटकाया था बाहर वो रेलिंग दूसरी धातु की बनी थी। टू डिफरेंट काइंड ऑफ मेटल्स। गैलवानी को समझ आया कि ये अप्रत्याशित चार्ज शायद इन अलग अलग धातुओं के कारण पैदा हो रहा है और इस विचार को जांचने के लिए वो दोबारा मेंढक को लैब में लेकर गए। सबसे पहले तो गैलवानी ने अन्य तरीकों से इलेक्ट्रिक चार्ज की पूरी संभावना को पूरी तरह हटा दिया। कोई मशीन, कोई उपकरण, कोई और चार्ज कैरी करने वाली धातु सबको किनारे कर दिया गया। फिर उन्होंने बाहरी चार्ज की पूरी तरह गैर मौजूदगी में मुर्दा मेंढक पर एक्सपेरिमेंट किए। इन प्रयोगों से एक कमाल की बात निकल कर आई और वो बात ये थी कि जब दो अलग अलग प्रकार के मेटल्स को एक साथ मुर्दा जानवर से जोड़ा जाता है तो उनमें मूवमेंट देखने को मिलती है। गैलवानी का ये ऑब्जर्वेशन तो बहुत बढ़िया था, लेकिन इससे वो कंक्लूजन थोड़ा गलत निकाल गए। उन्हें लगा कि ये इलेक्ट्रिसिटी मुर्दा मेंढक के अंदर से आ रही है। उनका लॉजिक ये था कि जिन मेटल को मरे हुए मेंढक से जोड़ा जा रहा है उनमें इंडिविजुअली कोई स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नहीं, उन मेटल्स में कोई चार्ज नहीं इंडिविजुअली, आसपास के एटमॉस्फेयर में भी किसी तरह के चार्ज होने की पूरी संभावना को हटा दिया गया है। तो जब मेटल में चार्ज नहीं है, एटमॉस्फेयर में भी चार्ज नहीं है, इसका मतलब चार्ज उस डेड एनिमल के अंदर ही है। गैलवानी ने सोचा कि मुर्दा जानवरों के शरीर में इलेक्ट्रिसिटी छुपी हुई है जो इन मेटल्स के कॉम्बिनेशन से एक्टिवेट हो जाती है, और यहाँ से बात चल पड़ी कि ये दो डिफरेंट मेटल्स की जोड़ी बहुत जादुई है। ये बाई मेटालिक कॉम्बिनेशन मुर्दा शरीर की इलेक्ट्रिसिटी किसी रहस्यमय तरीके से एक्टिवेट कर देती है। लुईजी गैलवानी ने इसे एनिमल इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया, जिसका दावा ये है कि सभी जानवरों के शरीर में एक किस्म की इलेक्ट्रिसिटी मौजूद रहती है, सभी जीव इस इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं और एनिमल इलेक्ट्रिसिटी जानवर की मौत के बाद भी शरीर में मौजूद रहती है, इसी को कहते हैं सत्याधाम। गैलवानी ने एनिमल इलेक्ट्रिसिटी की बात तो निकाल दी, लेकिन उनको कहाँ पता था कि बात निकलेगी तो दूर से लग जाए। सदियों से कितने ही रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, लोक कहानियों और पौराणिक कथाओं में मुर्दों को पुनर्जीवित करने का जिक्र होता आया है। जब इस एनिमल इलेक्ट्रिसिटी की थ्योरी ने हवा पकड़ी तो ये सारी कल्पनाएं उस हवा के साथ तुल पकड़ने लगी। गैलवानी की ये एनिमल इलेक्ट्रिसिटी वाली थ्योरी ऐसी फैली बिना व्हाट्सएप की, ऐसी वायरल हुई।
इलेक्ट्रिसिटी के जरिए डेड बॉडीज को रिसरेक्ट करने के एक्सपेरिमेंट होने लगे। जो लोग मर चुके थे उन्हें उनके ही शरीर में पुनर्जन्म देने के सपने पाले जाने लगे। 1790 के दशक में हर तरफ गैल्वानी के प्रयोग की चर्चा थी और लुईजी गैल्वानी का सिद्धांत यानी गैल्वेनिज्म पूरी दुनिया में आग की तरह फैलने लगा। अब यार कोई इज्म, कोई वाद, कोई दावा भले ही कितना पॉपुलर हो जाए, कितना ही जन समर्थन उसे हासिल हो, मगर वैज्ञानिक विचारशील तबके में ऐसे दावे बिना चुनौतियों के आगे नहीं बढ़ते। गैल्वानी से 300 किलोमीटर दूर एक बड़ी चुनौती उसका इंतजार कर रही थी। इटली में कोमो नाम का एक बहुत खूबसूरत इलाका है। यहाँ एक वैज्ञानिक इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े प्रयोगों के लिए शोहरत हासिल कर रहा था। संभवतः वो अपने समय का सबसे मशहूर इलेक्ट्रिकल साइंटिस्ट था। इस वैज्ञानिक का नाम है अलेसांद्रो वोल्टा। वोल्टा के कुछ दोस्त एनाटॉमी यानी शरीर रचना विज्ञान के जानकार। एक दिन वोल्टा के ये एनाटॉमिस्ट मित्र गैल्वानी के एनिमल इलेक्ट्रिसिटी वाले प्रयोगों पर गप्पे मार रहे थे और इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी कोई भी चीज वोल्टा का ध्यान जरूर आकर्षित करती। गैल्वानी के इन प्रयोगों में वोल्टा की दिलचस्पी पैदा हुई। साल 1792 में जब गैल्वानी अपने काम के लिए विख्यात होने लगे तब वोल्टा ने उनके एक्सपेरिमेंट्स को खुद से रिपीट करना शुरू किया। उन्हें भी वही नतीजे मिले जिनकी चर्चा हर तरफ थी। वोल्टा को इनके नतीजों ने हैरत में डाल दिया। ये जैसे कोई जादू था। वोल्टा को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब मुमकिन है। ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स के सिलसिले में अलेसांद्रो वोल्टा ने एक जिंदा मेंढक पर प्रयोग किया। उन्होंने देखा कि अलग मेटल्स के कॉम्बिनेशन से ये जिंदा मेंढक भी उछल जाता है। उन्होंने पाया कि इस जिंदा मेंढक को दूसरे इलेक्ट्रिसिटी वाले इंस्ट्रूमेंट से भी झटके लग रहे हैं। जो बात सबको पहले समझ में आ जानी चाहिए थी वो अचानक वोल्टा के दिमाग में चमकी। इस जिंदा मेंढक के झटके खाने का मतलब ये था कि गैल्वानी के प्रयोग में इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स मुर्दा मेंढक के भीतर नहीं बल्कि बाहरी मेटल्स में छुपा हुआ है। इस सिंपल से लॉजिक के दम पर वोल्टा ने गैल्वानी के एनिमल इलेक्ट्रिसिटी वाले दावे पर अनेकों प्रहार किए। वोल्टा ने खुलकर ये बात कही कि जानवरों के भीतर कोई इलेक्ट्रिसिटी जैसी चीज नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी का असली सोर्स वो बायोमेटालिक कॉम्बिनेशन है। उस बायोमेटालिक कॉम्बिनेशन से बाकी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की तरह चार्ज रिलीज होता है और जानवरों का शरीर उस चार्ज के प्रति रिएक्ट करता है। इस वैचारिक लड़ाई ने बुद्धिजीवियों को दो धड़ों में बांट दिया। एक तरफ थे गैल्वेनिस्ट जो एनिमल इलेक्ट्रिसिटी यानी जानवरों के भीतर मौजूद इलेक्ट्रिसिटी में यकीन रखते थे और दूसरी तरफ थे वोल्टिस्ट जो बायोमेटालिक इलेक्ट्रिसिटी को पुश कर रहे थे। वोल्टिस्ट धड़ा इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स जैविक शरीर के बाहर मानता था। जल्द ही एनिमल इलेक्ट्रिसिटी वर्सेस बायोमेटालिक इलेक्ट्रिसिटी के बीच तर्क की तलवारें खिंच गईं। वोल्टिस्ट और गैल्वेनिस्ट एक दूसरे के दावों और विचारों पर प्रहार करने लगे। धीरे धीरे ये लड़ाई लैब से निकलकर सार्वजनिक मंचों पर लड़ी जाने लगी। लेकिन मंच पर तो वही विजेता है जिसने भीड़ के मन को जीता है। लुईजी गैल्वानी एक कुशल वैज्ञानिक जरूर थे लेकिन अलेसांद्रो वोल्टा के पास करिश्माई व्यक्तित्व भी था। वो डिबेट और डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए मजमा लूटने की काबिलियत रखते थे। उनके तर्क भी लोगों को प्रामाणिक और धारदार मालूम हुए। इसलिए कई बहसों और प्रदर्शनों के बाद वोल्टा का पक्ष भारी पड़ने लगा। अपनी वैचारिक विजय उपरांत 1793 के एक पेपर में अलेसांद्रो वोल्टा लिखते हैं, नथिंग रिमेन्स ऑफ द थ्योरी ऑफ एनिमल इलेक्ट्रिसिटी। अगले साल 1794 में अलेसांद्रो वोल्टा को कॉपली मेडल से सम्मानित किया गया। ये उस समय एक प्रतिष्ठित ब्रिटिश अवार्ड हुआ करता था और वोल्टा को यह मेडल गैल्वानी के प्रयोगों का बेहतर एक्सप्लेनेशन पेश करने के लिए दिया गया। बहुसंख्यक वैज्ञानिक जमात की सहमति से वोल्टिस्ट ये जंग जीत चुके थे लेकिन अलेसांद्रो वोल्टा अपनी इस उपलब्धि से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें दूसरे वैज्ञानिक के एक्सपेरिमेंट को समझाने के लिए नाम नहीं चाहिए। आगे चलकर वोल्टा ने एक नया एक्सपेरिमेंट डिजाइन करने की दिशा में काम किया। ऐसा प्रयोग जिसमें गैल्वानी के सेटअप की तरह अलग अलग मेटल्स तो मौजूद रहे लेकिन मेंढक जैसे कोई जैविक तत्व का निशान ना हो। वोल्टा की कोशिश थी ऐसे किसी नॉन बायोलॉजिकल एलिमेंट्स वाले सेटअप में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सके। ऐसा करने से बायोमेटालिक इलेक्ट्रिसिटी की श्रेष्ठता निर्विवाद रूप से स्थापित होती और गैल्वानी का एनिमल इलेक्ट्रिसिटी वाला दावा पूरी तरह ध्वस्त हो जाता। वोल्टा ने अलग अलग मेटल्स के कॉम्बिनेशन पर प्रयोग किए। सबसे पहले उन्होंने ये पता लगाया कि कौन सी धातुओं की जोड़ी से मेंढक सबसे ज्यादा उछलता है। मालूम हुआ कि जिंक और सिल्वर का कॉम्बिनेशन सबसे बेहतरीन है। फिर वोल्टा ने जिंक और सिल्वर को जोड़कर अपनी जीभ से टच किया और उन्हें अपनी जीभ पर वही टिंज महसूस हुआ जैसा कि इलेक्ट्रिकल चार्ज से होता है। अगर आपने बचपन में किसी खिलौने की लो वोल्टेज वाली बैटरी के टर्मिनल को जीभ छुआया तो आपको ये स्वाद पता होगा। करना नहीं है ऐसा, तो जिंक और सिल्वर को जीभ पर रखकर अलेसांद्रो वोल्टा को यही चटकीला स्वाद मिला। इसके बाद वोल्टा ने इस सेटअप को मॉडिफाई किया। वोल्टा ने जिंक और सिल्वर को अलग रखकर उन्हें दो वायर्स से कनेक्ट किया और इन दो वायर्स को अपनी जीभ से टच कराया लेकिन इस बार जीभ पर कोई असर नहीं हुआ। वोल्टा ने सोचा
कि शायद इन मेटल्स का भीगा हुआ होना जरूरी है। लेट्स मेक इट वेट। और इस अंदाजे के फलस्वरूप उन्होंने जिंक और सिल्वर के बीच एक कार्डबोर्ड को भिगो कर रख दिया। इसके बाद जब उन्होंने इन मेटल्स से निकले तारों को जीप से टच किया, जिनके बीच एक भीगा हुआ कार्डबोर्ड था, तो वही सेंसेशन दोबारा महसूस हुआ। वोल्टा ने देखा कि वो जिंक, वेट कार्डबोर्ड और सिल्वर की जितनी अधिक लेयर्स जोड़ते जाते हैं, ये सेंसेशन उतना स्ट्रांग हो जाता है। उन्होंने ये भी पाया कि कार्डबोर्ड को नमकीन पानी से भिगोने पर ज्यादा टिंज महसूस होता है जीभ में सादे पानी के मुकाबले। वोल्टा ने इस सेटअप को और रिफाइन किया। उन्होंने अपनी जीभ की जगह दूसरे उपकरण लगाए टेस्ट करने के लिए, क्योंकि भैया चार्ज बढ़ता जा रहा था तो जीभ तो ब्लास्ट हो जाती है ऐसा करते रहते तो वो दूसरे नॉन बायोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट से इस सेटअप की इलेक्ट्रिसिटी जांचने लग गए और फिर कमाल हो गया। वोल्टा को यहां भी सफलता हासिल हुई। आधुनिक इतिहास में पहली बार बायोलॉजिकल तत्वों की गैर मौजूदगी में चार्ज की कंटिन्यूस सप्लाई जनरेट की जा रही थी। यहाँ इसी क्षण पहली मॉडर्न बैटरी अपना रूप ले चुकी थी। आधुनिक बैटरी की इस पहली डिजाइन को वोल्टाइक पाइल कहा गया। पाइल का मतलब होता है ढेर। इस सेटअप में जिंक, सिल्वर और उसके बीच नमकीन पानी की ऐसी कई लेयर्स लगाकर एक पाइल तैयार की गई थी, एक ढेर लग गया था, इसलिए इसे वोल्टाइक पाइल कहा जाता है। एलेसांद्रो वोल्टा ने अपने इस वोल्टाइक पाइल से कई प्रदर्शन किए और इस आविष्कार के चर्चे तब के मशहूर राजा नेपोलियन बोनापार्ट तक जा पहुंचे। वोल्टा ने नेपोलियन के सामने भी मेटल्स और कार्डबोर्ड वाले यंत्र से इलेक्ट्रिसिटी का जादू दिखाया और राजा मंत्रमुग्ध हो गया। राजा को मंत्रमुग्ध करके वोल्टा ने अपने काम के लिए अपार समर्थन हासिल कर लिया। वोल्टा के विचार में गैल्वानी के मुकाबले ज्यादा दम नजर आ रहा और अब तो उनके हाथ में एक मशहूर आविष्कार भी था। वोल्टा कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी वाले साइंटिस्ट थे, उन्हें चीजों को ढंग से पेश करना आता था और वो सत्ता के करीबी होने का फायदा भुनाना जानते थे, इसलिए इन वैज्ञानिक, सामाजिक और राजनीतिक मोर्चों पर वोल्टा की जीत। इसीलिए आज तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट में लिखी जाती है। इस घटनाक्रम के बाद एलेसांद्रो वोल्टा का नाम अमर हो गया। जब जब बिजली की बात होती है तब तब वोल्ट और वोल्टेज का जिक्र आता ही है। इटली के शहर कोमो से लेकर भारत के ग्राम मझगवां तक सबको पता है 440 वोल्ट का झटका। ये बुलंदी है वोल्टा के नाम की जो उन्हें नसीब हुई। वहीं दूसरी तरफ लुईजी गैल्वानी नेपोलियन के विरोधी थे। 1797 में उन्होंने नेपोलियन की रिपब्लिक में निष्ठा की शपथ लेने से इनकार कर दिया और अगले साल 1798 में उनकी मृत्यु हो गई। गैल्वानी अपने काम को लेकर वैसा पॉलिटिकल सपोर्ट हासिल नहीं कर सके जैसा कि नेपोलियन के करीबी एलेसांद्रो वोल्टा को मिला। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि गैल्वानी के दावे में बिल्कुल दम नहीं था और वोल्टा पूरी तरह सही थे? नहीं, ऐसा नहीं। लुईजी गैल्वानी उस वक्त अपनी वेल डिजर्व्ड शोहरत और रिस्पेक्ट हासिल नहीं कर सके, लेकिन पिछले 200 सालों में हमारी वैज्ञानिक समझ में कई गुना इजाफा हुआ है और आज हम बैटरीज की वर्किंग, इलेक्ट्रिसिटी और बायोलॉजिकल बॉडी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। गैल्वेनिज्म वर्सेस वोल्टिज्म वाली बहस का सही निष्कर्ष जानने के लिए हमें ह्यूमन ब्रेन और बैटरीज का बेसिक मैकेनिज्म समझना होगा, तभी हम जान पाएंगे कि ये चीज़ें आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, इनसे मुर्दों को जिंदा करने के प्रयोग कैसे किए गए और वो कैसे एक तरीके से उनके हिसाब से ठीक थे। लेकिन देखते हैं, आगे चल के देखते हैं, पहले अपन बेसिक साइंस समझते हैं चीजों से, तभी बाकी बातें समझ में आएंगी। बैटरी का वर्किंग मैकेनिज्म हमने पिछले वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था, लेकिन उसे यहाँ पे भी हम संक्षेप में थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। अब देखो यार, मामला ऐसा है कि इस दुनिया में अलग अलग टाइप के केमिकल एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इन एलिमेंट्स को एक दूसरे से अलग ये बात बनाती है कि इनके एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है और उनका अरेंजमेंट कैसा है। इसलिए कुछ केमिकल एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स लेने की टेंडेंसी रखते हैं क्योंकि उनका बड़ा दिल होता है, जबकि दूसरी तरफ कुछ एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स देने की टेंडेंसी रखते हैं क्योंकि उनमें अपने में ही इलेक्ट्रॉन्स नहीं संभल पा रहे हैं। इसलिए दो मेटल्स को, दो अलग अलग प्रकार के मेटल्स को कनेक्ट करने पर इलेक्ट्रॉन्स एक से निकलकर दूसरी धातु में जाते हैं। यही मूवमेंट वोल्टा की बैटरी में जिंक और सिल्वर के बीच हो रही थी, क्योंकि इन दोनों मेटल्स में से एक इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है। लेकिन इन दो मेटल्स के बीच सिर्फ एक रास्ते से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा तो दोनों पे चार्ज इकट्ठा होने लगेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स के निरंतर फ्लो में बाधा बनता है, चार्ज का एक्यूमुलेशन जो है। इसलिए बैटरी में इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच चार्ज का बैलेंस बनाने के लिए एक दूसरा रास्ता बनाना पड़ता है। कैथोड और एनोड के बीच इस चार्ज्ड मीडियम को, इस दूसरे रास्ते को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। वोल्टा की बैटरी में जो नमकीन पानी का कार्डबोर्ड है वो इस इलेक्ट्रोलाइट की भूमिका निभा रहा है। इस इलेक्ट्रोलाइट के जरिए बैटरी के दोनों इलेक्ट्रोड्स में चार्ज का बैलेंस बना रहता है और वो बैटरी लंबी देरी तक करंट सप्लाई करती है। ये दुनिया की हर बैटरी का वर्किंग मैकेनिज्म है। अब आपको समझ आएगा कि जब वोल्टा ने जिंक और सिल्वर में अलग अलग वायर निकालकर बिना उनके बीच कोई मीडियम लगाए अपनी जीभ पर लगाया था, तब जीभ पर झंझनाहट क्यों नहीं हुई थी उसको? क्योंकि चार्ज बैलेंस करने के लिए इनके बीच कोई मीडियम नहीं था ना, तो करंट फ्लो नहीं हुआ। लेकिन जब वोल्टा ने दोनों धातुओं के बीच नमकीन पानी का एक कार्डबोर्ड लगाया तो इलेक्ट्रोलाइट मीडियम मिला चार्ज बैलेंस के लिए, करंट फ्लो हुआ
और वोल्टा की जीव को उस करंट का टिंज महसूस हुआ था। अब आपको गैल्वानी और वोल्टा के सेटअप में दो मेटल्स और इलेक्ट्रोलाइट मीडियम की महिमा समझ में आ गई होगी, लेकिन इस सेटअप में मुर्दा मेंढक की हरकतें समझने के लिए आपको न्यूरॉन्स और नर्वस सिस्टम के बारे में कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। देखो यार, 200 साल पहले तो न्यूरोसाइंस की बहुत अच्छी समझ विकसित नहीं हुई थी। तब लोग ये नहीं समझते थे कि ब्रेन और बॉडी के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे हो पाता है। वो नहीं जानते थे कि जिस पल आपका दिमाग हाथ उठाने के बारे में सोचता है, उसके अगले ही पल हाथ हवा में कैसे चला जाता है। लेकिन आज हम ये सारी चीजें डिटेल में समझते हैं। ये सब हमारी बॉडी के अंदर फैले नर्वस सिस्टम से मुमकिन हो पाता है। ये हमारे दिमाग से शरीर के हर अंग तक फैला हुआ एक तंत्रिकाओं का जाल है, जिससे पूरी बॉडी और ब्रेन के बीच मैसेज का ट्रांसफर होता है। इस नर्वस सिस्टम की सबसे बुनियादी इकाई न्यूरॉन्स होते हैं, और ये न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल इंपल्स से संचालित होते हैं। सबसे जरूरी बात है, हमारी बॉडी में इन न्यूरॉन्स से होकर बिजली बहती है। ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन हमें जीवित रखने के लिए, हमें सुचारू बनाए रखने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ब्रेन से बॉडी तक के हर पार्ट में इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में कम्युनिकेशन होता है, इसलिए हमारा शरीर बिजली की रफ्तार से दिमाग के आदेश से एक्शन ले पाता है। जैसे अभी मैं, है ना, हो रहा है ना कुछ। तो यार, एनिमल इलेक्ट्रिसिटी जैसी चीज तो एग्जिस्ट करती है। वो मेंढक जब जिंदा था तो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता था, और जब मर गया तो बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देकर उसे हिलाया डुलाया जा सकता था। मतलब लुइजी गैल्वानी की बात पूरी तरह गलत नहीं थी, बस इस एनिमल इलेक्ट्रिसिटी को लेकर गैल्वेनिस्ट धड़े के जो एक्सट्रीम क्लेम थे, या इससे जो मुर्दों को जिंदा करने की हसरतें पाली जा रही थी, वहां थोड़ी अति हो गई। ये पूरा मैटर क्या था, ये आपको विस्तार से समझाता हूँ। 1798 में लुइजी गैल्वानी की मौत के बाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की जगह खाली हो जाती है। ये जगह गैल्वानी के भांजे को मिलती है, जिसका नाम था जियोवानी अल्डिनी। अल्डिनी को एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का प्रोफेसर बनाया जाता है। अपने मामा की मौत के बाद अल्डिनी ने उनके विचार का झंडा उठा लिया। जियोवानी अल्डिनी गैल्वेनिज्म और एनिमल इलेक्ट्रिसिटी के सबसे बड़े प्रणेताओं में गिना जाने लगा। अल्डिनी ने वोल्टा की बनाई हाई वोल्टेज वाली बैटरी से मृत जानवरों पर प्रयोग करने शुरू किए। अल्डिनी ना सिर्फ प्रयोग करता बल्कि उनका प्रदर्शन भी करना जानता था। टिप्पणीकार कहते हैं कि अल्डिनी इतने अच्छे प्रोफेसर और साइंटिस्ट नहीं थे जितने बेहतरीन वो एक पब्लिक डेमोंस्ट्रेटर थे। उन्होंने बिजली से मृत शरीरों को नियंत्रित करने का हुनर पक्का कर लिया और जनता के बीच एनिमल इलेक्ट्रिसिटी का खूब माहौल बनाया। अल्डिनी ने तब बहुत नाम कमाया जब उन्होंने मुर्दा मानव शरीर पर पब्लिकली प्रयोग करने शुरू किए। साल 1803 में लंदन में एक कैदी को सजा के तौर पर मौत मुकर्रर हुई। मौत के बाद ऐसे कैदियों के शव नहर में फेंक दिए जाते थे, तब अल्डिनी ने उस कैदी के शव को बाहर निकालकर उसके ऊपर प्रयोग शुरू किए। तब लंदन का कानून ऐसा था जो उन्हें ऐसा करने की इजाजत देता था। जनवरी 1803 में जियोवानी अल्डिनी ने इस मानव शरीर को लेकर पब्लिकली एक एक्सपेरिमेंट किया। इसे देखने खूब भीड़ इकट्ठी हुई। आगे इस मुर्दा शरीर के साथ जो हुआ उसका विवरण न्यूगेट जर्नल में छपता है। सबसे पहले उसके चेहरे पर प्रोसेस शुरू करने से उस कैदी के जबड़े कांपे, उसके आसपास की मसल्स विकट तरीके से मुड़ गईं और उस मृत कैदी की एक आंख भी खुल गई। प्रोसेस के अगले चरण में उस शव का हाथ उठ जाता है, फिर उसकी जांघें और पैर भी हिलते दिखते हैं। आप कल्पना कीजिए, 200 साल पहले आप नहीं जानते इलेक्ट्रिसिटी की ABCD, कभी कोई टेस्ला कोई एडिसन पैदा नहीं हुए हैं, 50 साल बाद होंगे वो। आपने कभी मुर्दा लोगों को खुद से हिलते देखा नहीं है, सिर्फ प्रेत कथाओं में या देव कथाओं में ही सुना है कि मुर्दे भी जिंदा हो सकते हैं। अब आपके सामने एक मर चुके कैदी का शव पड़ा है और एक कुशल पब्लिक डेमोंस्ट्रेटर सधे हुए ढंग से इलेक्ट्रिसिटी की बदौलत उस कैदी के शरीर के अलग अलग अंगों को हिला रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में लोगों का आश्चर्यचकित होना लाजमी है। ये जिंदा है। लंदन में इस डेमोंस्ट्रेशन को देखने वालों के साथ भी यही हुआ, और एल्डिनी के काम के चर्चे पूरी दुनिया में फैलने लग गए। गैल्वेनिज्म और एनिमल इलेक्ट्रिसिटी एक बार फिर लोक चर्चा का विषय बन गए। इससे जुड़ा एक कमाल का ट्रिविया ये है कि इन प्रयोगों के चर्चे मैरी शेली नाम की एक लेखिका तक पहुंचते हैं। इसके बाद शेली को एक सपना आता है और वो एक बेहतरीन साइंस फिक्शन नॉवेल को जन्म देती हैं, जिसका नाम है फ्रैंकेनस्टाइन। ये काल्पनिक कहानी है जिसमें एक खूंखार दरिंदे को इलेक्ट्रिसिटी के जरिए दोबारा जीवित किया जाता है, और फिर वो कहानी आगे बढ़ती है। खैर, पॉपुलर कल्चर और साइंस फिक्शन के अलावा मुर्दों को बिजली से जिंदा करने के इस आइडिया को वैज्ञानिक वर्ग में बहुत स्वीकृति नहीं मिली, क्योंकि यार जिंदगी की पहेली में सिर्फ बिजली ही इकलौता सूत्र नहीं है, वो एक जरूरी सूत्र है, लेकिन लाइफ और कॉन्शियसनेस आज भी वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी पहेलियां हैं। इन प्रयोगों के 200 साल बाद भी मुर्दा लोगों को दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकता, ये कल्पना मात्र है जिसे अतिवादियों से पोषण प्राप्त हुआ। गैल्वेनिज्म को ऐसे अति मचाने वाले लोगों ने हाईजैक कर लिया और गंभीर विचारकों के बीच इसकी क्रेडिबिलिटी फीकी पड़ने लगी। गैल्वेनी ने खुद ऐसे लोगों से तंग आकर कहा था, देयर इज अ लिमिट टू कंजेक्चर्स। कंजेक्चर्स का मतलब होता है बिना ठोस सबूत के किए गए दावे। साइंस में खुलकर दावे करने की पूरी इजाजत है, इसकी प्रथा रही है। हर साइंटिफिक थ्योरी की शुरुआत एक कंजेक्चर के रूप में ही होती है, लेकिन गैल्वानी ये कह रहे थे कि बकैती की हद होती है, थोड़ी मर्यादा रखिए। लेकिन मामा के चहेते भांजे ने सारी मर्यादाओं को धता बता दिया, और ऐसे लोगों के कारण गैल्वेनिज्म का डिस्कोर्स
एनिमल इलेक्ट्रिसिटी से मुर्दा लोगों को जिंदा करने की तरफ मुड़ गया। धीरे धीरे प्रोफेसर लुईजी गैल्वानी का मूल विचार मुख्य पटल से गायब हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आइडिया पूरी तरह बेकार था और उसे दूसरे सीरियस वैज्ञानिकों ने परस्यू नहीं किया। अब हम आगे समझते हैं कि गैल्वेनिज्म वर्सेस वोल्टेज्म वाली बहस का सही निष्कर्ष क्या है। देखो, गैल्वानी का दावा यह था कि इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स एनिमल्स के भीतर है, मुर्दा एनिमल्स के भीतर, और जो बायोमेटल्स हैं, जो दो धातुएं हैं, वो महज इस एनिमल इलेक्ट्रिसिटी को किसी तरह सुचारू बना रहे हैं। दूसरी तरफ वोल्टा का यह दावा था, जिसे उन्होंने बाद में प्रूव भी किया, कि इस सेटअप में इलेक्ट्रिसिटी का असली सोर्स ये दो धातुओं का कॉम्बिनेशन है, ये बायोमेटेलिक इलेक्ट्रिसिटी है जिसके प्रभाव में वो मृत जानवर का शरीर हिल रहा है, यहाँ कोई एनिमल इलेक्ट्रिसिटी जैसी चीज नहीं है। देखो, यहाँ तक तो वोल्टेज सही है कि गैल्वानी के सेटअप में मुर्दा जानवर इलेक्ट्रिसिटी का असली सोर्स नहीं है, लेकिन उनका यह कह देना कि एनिमल इलेक्ट्रिसिटी जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, ये गलत है। आप देखिए कि गैल्वेनिस्ट और वोल्टिस्ट दोनों की बात में आधा आधा सच है और पूरा सत्य कहीं बीच में है। एक्सट्रीम गैल्वेनिस्ट का यह कह देना कि मृत जानवरों में भी इलेक्ट्रिसिटी का एक सोर्स होता है और उसे एक्टिवेट करके उन्हें दोबारा जीवित किया जा सकता है, ये बात अति है, ये बात गलत है। दूसरी तरफ एक्सट्रीम वोल्टेज का ये कहना कि एनिमल्स में इलेक्ट्रिसिटी जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ धातुओं में ही इलेक्ट्रिसिटी मुमकिन है, ये भी पूरी तरह सच नहीं है। वोल्टा ने फ्रॉग के शरीर में हो रहे केमिकल एक्शंस को मिस कर दिया था जो भी किसी बैटरी को सुचारू बनाते हैं। आज हम जानते हैं कि जिन जीवों में, जिनके शरीरों में नर्वस सिस्टम होता है, उनके जीवन काल में पूरे शरीर में बिजली बहती रहती है। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ही होते हैं जिनसे न्यूरॉन्स के जरिए ब्रेन बॉडी के बीच में संपर्क बना रहता है। इसलिए कई मौकों पर आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक शॉक देकर कुछ लोगों को मरने से रिवाइव किया जाता है, उन्हें बचाया जाता है किसी क्रिटिकल कंडीशन के दौरान। वो मरा हुआ मेंढक बायोमेटल से जोड़ने पर इसलिए मूव कर रहा था क्योंकि उसमें बिजली के जरिए हरकत करने की एक पूरी प्रणाली पहले से मौजूद थी। इस बात पर सभी वैज्ञानिक एकमत हैं कि हमारे जैविक शरीर का इलेक्ट्रिसिटी से बहुत गहरा कनेक्शन है। इसलिए न्यूरालिंक जैसी कुछ कंपनियां मनुष्यों के दिमाग में इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन मृत लोगों को बिजली के जरिए रीएनिमेट करने का दावा, उन्हें दोबारा जिंदा करने का दावा फर्जी है। कम से कम अभी हमारे पास इस दावे के लिए बहुत पुख्ता प्रमाण नहीं है। यह महज एक कंजेक्चर है जिसका साइंस फिक्शन में खूब स्वागत है। बनाइए फ्रैंकस्टाइन, उपन्यास बढ़िया चला, टीवी शो भी बहुत बढ़िया चला, हमें तो बहुत मजा आया था इस कल्पना के बारे में जान के। कक्षा 11वीं में हमने जब पहली बार सुना था और आज भी सोच के बाद बहुत मजा आता है, तो मजे लो, सोच सोच के मजे लो, कल्पनाओं को किसने रोका है, और क्या पता कल को कोई सही सिद्ध भी कर दे, क्या पता। लेकिन देयर इज अ लिमिट टू कंजेक्चर्स एंड Extraordinary claims require extraordinary evidence. बड़े दावों को बड़े प्रमाणों की जरूरत होती है। तो मित्रों, गैल्वानी और वोल्टा की लड़ाई और भांजे एल्डिनी की थेथराई से मुर्दा लोग तो जिंदा नहीं हुए, लेकिन इससे न्यूरोसाइंस, साइंस फिक्शन और सबसे महत्वपूर्ण बैटरीज के विकास को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला और इनसे हमारी सभ्यता की कहानी हमेशा के लिए बदल गई। बैटरीज में सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तमाम दायरों को तोड़ने वाला एक जादू छुपा हुआ था। बैटरीज ने अच्छे और बुरे के लिए हमारा जीवन कैसे बदला, कहानी के अगले 150 सालों में क्या क्या होता है, वो एक अलग कहानी है, वो हम बैटरी बाजी के अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। लेकिन जाने से पहले इस एपिसोड के लिए मेरे पास कुछ टेकअवेज हैं, जाते जाते वो आप सुनते जाइए। देखो, वैसे तो हमें किताबों में पढ़ाया जाता है कि बैटरी का इन्वेंशन वोल्टा ने किया, लेकिन आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि बैटरी के इन्वेंशन का क्रेडिट किसको जाना चाहिए, गैल्वानी को या वोल्टा को। तो यार ऐसा होता है कि यहाँ पे दो टेकअवेज हैं, एक तो रोल ऑफ पॉलिटिक्स इन साइंस एंड बीइंग फेयरली एक्यूरेट इन योर एक्सप्लेनेशंस। तो गैल्वानी की रुसवाइयाँ थी नेपोलियन से, तो वहाँ से उसको डिस्क्रेडिट मिला एक तरीके से, और वोल्टा करीबी था सत्ता का, तो वहाँ से उसको ज़्यादा सपोर्ट मिला, तो ये एक चीज़ होती है। दूसरी चीज़ होती है कि हमें पता है बैटरी को लेकर जो शुरुआती एक्सपेरिमेंट्स थे और उसका जो माहौल बना वो गैल्वानी ने ही बनाया, प्रोफेसर गैल्वानी ने ही वो शुरुआती महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट्स किए जिनको फिर बाद में वोल्टा ने टटोला और उसका सही एक्सप्लेनेशन दिया। लेकिन बैटरी का इन्वेंटर वोल्टा को इसलिए कहा जाता है बिकॉज ही गेव फेयरली एक्यूरेट एक्सप्लेनेशंस। तो साइंस में राइट एक्सप्लेनेशंस का बहुत ज्यादा रोल रहता है। डेविड ड्यूश की किताब है बिगिनिंग ऑफ इन्फिनिटी, उसमें पहला ही चैप्टर है शायद द रीच ऑफ एक्सप्लेनेशंस, उसमें वो बता रहे हैं कि कैसे एक्सप्लेनेशंस ने हमारी साइंटिफिक क्वेस्ट को, हमारी सोसाइटी को किस तरीके से शेप किया है और वो कितने महत्वपूर्ण होते हैं। तो वो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ से टेकअवे यही है कि भले ही आप कितनी महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, कितनी अच्छी फाइंडिंग्स निकाल लेते हैं, लेकिन आप उसके अगर एक्सप्लेनेशंस सही नहीं देते हैं तो फिर वहां पे थोड़ा सा माहौल हल्का हो जाता है आपका। और एक और देखो जरूरी बात यह भी है कि हम हमेशा देखते हैं कि साइंस में किसी एक चीज के आविष्कार का श्रेय किसी एक व्यक्ति को ही दिया जाता है, जबकि उसके पीछे दर्जनों साइंटिस्ट की मेहनत होती है। तो वो यार जीके का इफेक्ट होता है, हमें किताब में कुछ तो लिखना होता है कि इन्वेंटर ऑफ बैटरी इज
फिल इन द ब्लैंक, तो वो कुछ लिखना होता है। पर हम देख रहे हैं एक लंबी श्रृंखला चली आती है और उन लोगों में से एक भी कड़ी आप हटा दीजिए तो उसका आविष्कार मुमकिन नहीं हो पाता। पर ये हमारी फितरत है चीज़ों को असाइन करने की, एक नाम, एक तारीख, एक जगह, तो उसके तहत ये दिया जाता है क्रेडिट इन्वेंशंस का। दूसरी यहाँ से जरूरी सीख इस कहानी से, जो अच्छी सीख है वो हमें ये मिलती है कि डोंट कन्फाइन योरसेल्फ, अपने आप को बहुत ज्यादा बांध के मत रखिए। आप देखिए कि प्रोफेसर गैलवानी एनाटॉमी के, शरीर रचना विज्ञान के प्रोफेसर थे, और वो कैसे उनकी क्यूरियोसिटी जागती है, वो इलेक्ट्रिसिटी पे प्रयोग करने लगते हैं, मेंढक में क्या हो रहा उसको देखते हैं, वो बाहर जाते हैं, आसमान से बिजली कड़काते हैं, रेलिंग पे क्या हो रहा, तो आप वो अपनी जेन्युइन क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। उसका कुछ एक लेना देना नहीं था इलेक्ट्रिसिटी का उनके एनाटॉमी के काम से, लेकिन ये दो चीजें आखिरी में जुड़ती हैं और हम देखते हैं कैसे बैटरी का आविष्कार होता है। इसी कहानी में आप देखेंगे मैरी शेली का जिक्र आता है, जिन्होंने फ्रैंकेंस्टाइन की रचना की, नॉवेल की, वो लेखिका थी, उनको क्या लेना देना दुनिया में क्या इन्वेंशंस हो रहे हैं, क्या इलेक्ट्रिसिटी को लेकर काम हो रहे हैं, लेकिन शी वॉज क्यूरियस, उनको पता था कि ये हो रहा है और गैल्वेनिज्म का एक माहौल बना हुआ है, वहां से फिर वो उनकी नॉवेल निकल के आती है। तो यार आप अपने आप को, आप राइटर बने रहिए, आप साइंटिस्ट बने रहिए, आप टीचर बने रहिए, बट डोंट कन्फाइन योरसेल्फ इन खांचों में। सोसाइटी ये फितरत होती है कि वो आपको खांचों में बांटना चाहती है, आपको उनमें कन्फाइन करके रखना चाहती है, लेकिन आपकी क्रिएटिविटी, आपकी ग्रेटनेस इन खांचों के बाहर लाई करती है। तो ऑलवेज एक्सप्लोर योर जेन्युइन क्यूरियोसिटी और अपने डिसिप्लिन से अपना काम कीजिए, लेकिन आजू-बाजू की चीजें भी देखते रहिए, घूमते फिरते रहिए, संतरा वंतरा खाते रहिए। संतरा नहीं है, क्या है, माल्टे बोलते हैं इसको। और यार वो छिपकली वाला ऐसा है ना कि छिपकली की पूंछ में थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी बची रह जाती है, नर्वस सिस्टम सबका अलग अलग होता है, तो छिपकली का थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज टाइप का रहता है, जैसे कुछ बल्ब नहीं रहते जो बंद कर दो तो एकदम से बंद हो जाते हैं, लेकिन कुछ बल्ब ऐसे होते हैं उनका स्विच ऑफ कर दो फिर भी वो उनमें थोड़ा सा ग्लो रहा आता है, तो छिपकली की पूंछ में हल्का सा वैसा वाला सिस्टम है, तो वो पूंछ में थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी बची रहती है इसलिए वो हिलती रहती है, और 30 मिनट बाद वो खत्म हो जाती है तो बंद हो जाता है। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ये खाते हैं।